ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका शपथ ग्रहण हो गया है आपका, और ब्लूप्रिंट क्या है इस क्षेत्र के लिए आपका? इस क्षेत्र में जो प्राइमरी दिखते हैं, जो समस्याएं हैं, जो जनहित का समस्या है, उसको बारी बारी से प्रायोरिटी के स्तर से उसको हल करने का प्रयास करेंगे, और जो भी हमसे बन पाएगा लोगों के लिए करेंगे और करते आ रहे हैं। जी, तो आपका कुछ तो खास मकसद होगा राजनीति में आने का, कि आप युवा हैं, तो युवा के बारे में आपका क्या सोच है? यूथ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। और लोगों को, जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है युवाओं के लिए शिक्षा। और हम लोग भी सरकार से भी चेयरमैन के माध्यम से मांग करते हैं, डीसी साहब से मांग किए हुए हैं कि यहाँ पे एक ITI कॉलेज, BEd कॉलेज होना चाहिए, एक मतलब डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जो कि यहाँ के सैकड़ों बच्चों को, सैकड़ों छात्र छात्राओं को उसका लाभ पहुँचेगा। और यूथ का ये सबसे फंडामेंटल है, एक मैंने यूथ के लिए जो है सबसे मैंने है कि लाइब्रेरी के लिए जो हमारे पास बहुत बार मांग आ चुका है, चाह रहे हैं कि जो है कि मतलब ग्रामीण, जैसे सारवा के तर्ज पर यहाँ पे प्रेमचंद ग्रामीण पुस्तकालय भर है, इस पर हम लोग पहल कर रहे हैं। जी, तो आपको जिला परिषद अध्यक्ष में आपका क्या रोल रहा है? हम लोग उसमें काफ़ी सक्रिय रहे, एकजुट रहे, और हम लोग एक अच्छे प्रत्याशी को, प्रत्याशी का चयन किए, मिलजुल के हम लोग सभी का सहभागिता रहा, और हम लोग जो है मजबूती से उनका साथ दिए, और अंततः हम लोग अपना पक्ष का चेयरमैन किरण मैडम को बनाने में सफल रहे। और उन पर पूरा उम्मीद और विश्वास है कि वो 5 साल अपने जिला को बेहतरी देंगे, और हम लोग से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। ये तो आपका क्षेत्र कृषि कृषि आधारित है, तो इस आपका कृषि पर आपका क्या सोच है, क्या विजन है? कृषि पर निश्चित तौर पे है, और हमारे जो सीनियर लीडर हैं माननीय कृषि मंत्री जी, उनका भी, वो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, उनसे पूरा आशा है, उम्मीद है कि जो है इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए तालाब डी बोरिंग, कुछ डी बोरिंग सेंक्शन मोड में भी है, और कुछ तालाब जो है हुआ है, कुछ तालाब इस बार नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में होगा, उसके लिए पूरा जोर शोर से, और खासकर पेयजल के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5 चापाकल प्रत्येक पेयजल के लिए दिया गया है, जो प्रत्येक पंचायत में होना है, उस पर हम लोग पहल करके ज़रूरतमंदों को देने का प्रयास कर रहे हैं। पिछला बार भी जो है हम लोग लमसम अपने प्रखंड में 60 चापाकल माननीय बादल जी के माध्यम से कराए हुए हैं। जी, तो इस इलाका में देखते हैं बहुत से गांव में आपका रोड भी नहीं बना है, तो वैसा कच्ची सड़क है, उसके लिए आपका क्या पहल रहेगा? उसका सबसे पहले जो है जो विभाग का टारगेट आएगा, उसके आधार पर हम लोग उसका जो है DPR बनाने का प्रयास करेंगे। DPR होने के बाद उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंत्री जी से आग्रह करेंगे, आर्य विभाग को बोलकर अपने माननीय मंत्री जी के माध्यम से, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोड बने। अभी 3-4 रोड का टेंडर मोड में है, 2-3 रोड टेंडर हुआ, काम अभी प्रगति पर है, उस पर काम चल रहा। 2 PWD रोड हमारे प्रखंड में अभी प्रगति पर है कार्य उनका, और RU रोड भी 2-3 अभी मैंने कार्य प्रगति पर है। आप पढ़े लिखे नेता जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या सोच है? कि पहले ही बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सुदूर ग्रामीण इलाके में है, उसके लिए जो है बेहतर शिक्षा के लिए यहाँ पे जो है शिक्षा का मैंने प्लेटफॉर्म तैयार करें, जिसके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पहले उच्च विद्यालय तक ही सीमित था, लोगों को देवघर और या दुमका पढ़ाई के लिए, उस शिक्षा के लिए जाना पड़ता था। अभी +2 यहाँ हुआ है, फिर भी यहाँ समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से आज भी जो है परीक्षा का सेंटर देवघर, दुमका, मधुपुर लोगों को जाना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ से, यहाँ अगर मान लीजिए कि शिक्षा का अच्छा जो है डिग्री कॉलेज हो जाए, तो यहाँ के मैंने जो है सैकड़ों छात्र छात्राओं को सुविधा मिलेगी, और मैंने जो है अच्छी शिक्षा हासिल करेगी, क्योंकि जो है गरीब किसान मैंने जो है अपने बच्चे को मैट्रिक के बाद, +2 के बाद जो है मैंने जो है डिग्री कराने के लिए
उसको दूर जो है खर्च वो हमने वहन नहीं कर पाता, इसके चलते जो है इंटर के बाद उनका पढ़ाई, बहुत ऐसे बच्चा है जिनका ब्रेक हो जाता है, ड्रॉप आउट कर जाता है जी, ड्रॉप हो जाता है। हाँ जी, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को सबसे पहले हमको, हम पर विश्वास करने के लिए सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और उनका आभार, उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको इतने कम समय में और इतने कम उम्र में हमको इस जगह पर लाया है। उनका विश्वास पर मैंने खड़ा उतरना है, यही हमारा जो है, और उनके विश्वास को बरकरार रखेंगे, यही उम्मीद के साथ हम चल रहे हैं। बहुत का पेंशन छूट गया है और विकलांग है, वृद्ध है, तो उसके लिए आपका प्रयास क्या, स्पीडी प्रयास क्या रहेगा? जैसे हुआ कैंप स्तर, ये हुआ जो, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? पेंशन के लिए जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में था, उसमें अधिकतर फॉर्म आ गया था, कुछ सारा फॉर्म कलेक्ट है, कुछ का हुआ है, कुछ ब्लॉक में जमा है। हम लोग भी कोशिश करेंगे जितना फॉर्म पेंडिंग है ब्लॉक में, उस पर जो ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 20 तारीख को समाप्त हो जाती है, उसके बाद हम लोग ब्लॉक में BDO साहब से और बाकी जो संबंधित कर्मचारी सबसे मीटिंग करके कोशिश करेंगे कितना फॉर्म पेंडिंग पड़ा हुआ है सारे पंचायत का, वो उस पर हम लोग संशोधन करेंगे, और वो जो जमा फॉर्म है उस पर कार्य करेंगे। उसके बाद भी कुछ बचता है तो उससे हम लोग जो है, मैंने जितना जल्दी से हो सके उस पर हम लोग DC साहब से मांग करेंगे कि जो है टारगेट दिया जाए और उस पर काम किया जाए। फिलहाल जितना पेंडिंग फॉर्म है, क्योंकि 6 महीना से लोग आशान्वित है कि हम अपना फॉर्म जमा कर दिए, मेरा पेंशन हो गया, रोज़ बैंक का चक्कर लगाते हैं, पता करते हैं कि हमारा तो खाता में पैसा नहीं, मैंने आया नहीं है, क्योंकि उतना उसका आइडिया नहीं है कि किस कारण से वो जमा कर देता, तो सोचता है मेरा पेंशन हो गया। वैसी स्थिति में हजारों पेंडिंग फॉर्म पड़ा हुआ है ब्लॉक में, उस पेंडिंग फॉर्म को सबसे पहले जो है उस पर कार्य करना, उसके बाद भी कुछ लोग बचते हैं तो उसके लिए हम लोग आगे पहल करेंगे। जी, आपने जो चुनाव में वायदे किए हैं, आप वायदे किए हैं तो इम्प्लीमेंट होगा या सिर्फ हवा था? हम जितना लमसम जितना बोले, हम अभी भी बोलते हैं, उस समय भी बोलते थे कि हमारे स्तर का जितना चीज़ है उससे हम कभी भी काम चोरी नहीं करेंगे, और जहाँ तक हो सके अपने सीनियर लीडर से या फिर अपने जो है जिला के जितने भी हमारे चेयरमैन महोदया हैं और जितने हैं, जिस स्तर से हो सके अपना क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम लाने का प्रयास करेंगे, और निरंतर जो है प्रयास जो करते हैं इसमें जो है हम आगे बढ़ेंगे, पीछे की ओर हमको नहीं देखना है, और काम दिखेगा लोगों के बीच। जी, तो पेयजल के लिए आपका क्या ये है? पेयजल के लिए जो है अभी सबसे जो योजना चल रही है ये नल जल योजना जी, इस योजना में जो है बहुत ज़्यादा जो है ढुलमुल रवैया हो रहा है, इस पर हम लोग जो है बढ़िया से इस पर जो है कार्य करवाएंगे, क्योंकि अभी तक जो कार्य हुआ है वो उतना सार्थक नहीं हो पाया है, हम लोग बढ़िया से इसको निगरानी में रखते हुए बढ़िया से कार्य कराना है, ताकि जो है वो नल जल योजना का लाभ गरीब वंचित लोगों को मिल सके। कारण है कि इसमें ठेकेदारी ज़्यादा हो रहा है, काम बहुत कम हो रहा है, इसलिए इस पर हम लोग को विशेष फोकस है कि काम मजबूती से हो और लोगों को जो सरकार की जो ये बहुत मैंने बेहतरीन योजना है इसका लाभ मिल सके सबको। जी, आप अपना नाम बता दीजिए और भाग संख्या बता दीजिए। मैं राजीव कुमार जी, सोनार ठाड़ी, भाग संख्या 9, जिला देवघर से। धन्यवाद।